ने क्या खबर का स्रोत है ये भाई साहब? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या किसी अखबार में छपा है? जीनियस कौन है? आज की डेट का सबसे बड़ा पिट्ठू चैनल। अरे मॉडिफाइड ट्रैक्टर अगर उनके पास है तो क्या मतलब वो विरोध करना बंद कर दे? क्या बात कर रहे हैं यार ये? मॉडिफाइड का मतलब है आपने सामान ऐसा लगाया सामने जो चीजों को तोड़ेगा, वो किस तरह का वो किस तरह प्रोटेस्ट है? रोड जाम किसने करे? एक मिनट सुनिए, आप आराम से बात आराम से सुनिए। कीले किसने गाड़ी है? सरकार ने, किसानों से ड्रोन से ऊपर करो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, सरकार फेंक रही है कि किसान फेंक रहे हैं? क्यों कहा जा रहा आतंकवादी उग्रवादी? क्यों आप खालिस्तानी भी कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? अरे यार कुछ तो मान लो जिंदगी में, कुछ तो मान लो, कोई तो न्यूज चैनल का मान लो यार। लड़ने के लिए तैयार हो गया बंदा? राजस्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश कहाँ है? तमिलनाडु कहाँ है? कहाँ है किसान? खाली पंजाब किसान है। जिनकी रीढ़ में दम होता है ना वही विद्रोह करती है। भगत सिंह की धरती है वो, समझे? जिनकी रीढ़ में दम होता है वही विद्रोह करते हैं। अच्छा अरे होना जाके डिग्री बॉर्डर पे करो अपनी आवाज, जाओ गाजीपुर बॉर्डर पे, देखो कैसे भी तुम्हारे को जगह उठा के अंदर डालते हैं, निकालो आवाज। ये हालत है इनकी, रीढ़ की हड्डी में दम होता तो आप भी विरोध करते। जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम है सलाम है उन्हें, हजार बार सलाम है। उनकी रीढ़ की हड्डी में दुनिया में सब गलत, इनकी नजर में सब गलत, दुनिया में सत्ता आदमी नहीं है, सत्ता के देवता बात जानती है। और थोड़ी बात अभी इन सब चीजों से थक जाएंगे, इसके बाद इनका नारा पता क्या होगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बस उसके बाद ये लोग निकल लेंगे। सरकार ने अगर मांगे मान ली तो किसान हट जाएंगे, जाहिर सी बात है, अपनी मांगों के लिए बैठे। अगर उनकी मांगे पूरी हो जाती हैं तो उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं के वो बैठेंगे, तो डिपेंड सारा सरकार के ऊपर करता है, सरकार का रुख कैसा रहता है, किसानों के फेवर में या उनके डिसफेवर में। बिल्कुल जायज बात है, मैं कह रहा हूँ किसान मर्सिडीज पे बैठ के आंदोलन कर रहा है और उसे बताया जा रहा है कि वो 4 करोड़ की मर्सिडीज है। अगर किसी आदमी के पास 4 करोड़ की मर्सिडीज है तो क्या उसे अपने हक की बात नहीं करनी चाहिए? अगर उसके पास 4 करोड़ की मर्सिडीज है तो क्या वो MSP भूल जाए? क्या उससे वो करे गए वादे भूल जाए? उसने जैसे भी कमाया, चाहे उसकी जोत बड़ी है या उसकी खेती बड़ी है, किसी भी किस्म से उसने कमाया, टैक्स भी दिया होगा जब उसने गाड़ी खरीदी होगी, सारा लीगल तरीके से उसने कमाया होगा, तो लेकिन सिर्फ एक इस बात को लेके कि उसके पास 4 करोड़ की मर्सिडीज है तो उसे अपने खिलाफ और न्याय की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, ये कौन से कानून में लिखा है? सर खरीद लिया है किसानों का, किसान के आपको बिकने वाली कौम लगती है? अगर किसान बिकने वाली कौम होती तो वो क्या पहले नहीं आ सकते थे? और रही बात कह रहे हैं कि विपक्ष ने खरीद लिया है, कभी आप कहते हो कि विपक्ष बिल्कुल हमारा खत्म हो चुका है, विपक्ष जीरो हो चुका है? संसद में खड़े होकर आप भाषण देते हो कि जितने उतने भी नहीं दिखोगे आप, दर्शक दीर्घा में नजर आओगे। एक तरफ तो आप विपक्ष की गिनती ही नहीं लेते, दूसरी तरफ विपक्ष इतना ताकतवर हो गया कि वो किसानों को खरीद रहा है, तो ताकतवर कौन है, आप या विपक्ष? WTO का अधिकार किसानों को दे दिया जाएगा? WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारी कंट्री रूल्स फॉलो करती है, इंटरनेशनल फॉर ट्रेडिंग, जो आपस में ट्रेड होता है, ठीक है? क्या काली जो किसान है उनके अकॉर्डिंग WTO से इंडिया विड्रॉ कर ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? WTO के किसानों ने डिमांड करी है, क्या क्या डिमांड है उनकी WTO के बारे में? हाँ आप कह रहे हैं सारे, आप कह रहे हैं सारी मांग मान लो, मांग उठा रखे, WTO कहाँ से आ गए? किसानों की मांग क्या है? किसानों की भाई भाई साहब, किसानों की मांग क्या है? उसी की मांग है भाई, मैं बता रहा हूँ। अरे ये एक नई बात सुनने को आज मिल रही है भाई साहब, ऐसा है क्या? हो सकता है मेरी जानकारी नहीं हो। एक मिनट पत्रकार जी, आप जरा बताइए क्या है ऐसा कुछ? मैंने चेक करा दिया तो अभी चेक कर दिया सबका है भाई, MSP है, पेंशन है, WTO है, 4-5 मांगे हैं और आपने कहा सारी मांग मांग लो। फैलाए भी अफवाहें हैं लगातार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, UPSC आपके क्लियर हो जाएगी। मिले सर आपको आज तो पढ़े लिखे मिले, पढ़े लिखे होंगे, काउंटर क्लेम करेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। सर मैं आज किसी बात में गलत हूँ और मैं गलत साबित होता हूँ तभी तो मुझे पता चलेगा, जनता को पता चलेगा कि मैं गलत हूँ या ये गलत है। जब तक पढ़े लिखे नहीं आएंगे तो फायदा क्या? जितना पक्ष का होना जरूरी है उतना विपक्ष का भी होना जरूरी है। कबीर जी का साफ साफ कहना था, निंदक नेड़े राखी आंगने कुटी बनाए, बिन साबुन बिल पहले निर्मल होए सुभाए। सीधी सी बात है, तो निंदक नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? जो बात है तो सीधी सी बात है, अगर ये कह रहे हैं ऐसी डिमांड है तो आप दिखाइए जरा। हाँ मुझे दिखा दीजिए। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा सर जरा। हाँ एक बार पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ा के सुना दीजिए जरा। हाँ आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो मैं आप अलग बात। लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट MSP फॉर क्रॉप्स एंड इंडियाज विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स आल्सो वांट, किस पे आया सर ये? एक मिनट आया किस पे है ये? DNA क्या खबर का स्रोत है ये भाई साहब? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या किसी अखबार में छपा है? क्या DNA क्या DNA बताइए, कौन सा न्यूज चैनल? मैं चलो दूसरे पे दिखा देता हूँ। हाँ जी का है ना, ये वही जी का है जिसके सुभाष चंद्रा जी के मोदी जी ने अभी 6,500 करोड़ माफ करे थे, बात खत्म। बस अभी आपने बोला न्यूज दिखा दो सर, मैंने बता दिया। अभी आप कह रहे हैं आप यूनिवर्सिटी है, यार गजब आदमी है, कल मैं खाना खाऊंगा कहेंगे आप मैदे की रोटी खा रहे हो, ये कौन सा लॉजिक हुआ? अगर मैंने दूसरे से भी दिखा दिया तो सबके सामने माफी मांगोगे? सबके सामने माफी मांगोगे? एक सेकंड अंकल की बात नहीं, और होल्ड ऑन भाई, ये जी न्यूज़ ने बात करी है। जी न्यूज़ कौन है? आज की डेट का सबसे बड़ा पिट्ठू चैनल। अगर सारे के सारे मीडिया चैनल आज की डेट में पिट्ठू बने हुए हैं, दुनिया जानती है इस बात को कि सारे के सारे मीडिया चैनल आज की डेट में मोदी, एक मिनट, कि सारे के सारे मीडिया चैनल पिट्ठू हुए पड़े हैं, और अगर वो ये लोग बातें उठा रहे हैं तो भाई उनकी बात की क्या वैल्यू है? सीधी सी बात है,
उनकी बात की क्या वैल्यू है। उसने 6,000 करोड़ की जो है उसका लोन माफ करा जी न्यूज के चंद्रा का, सुभाष चंद्रा का, उसके बाद उसे राज्यसभा की सीट दे दी। वो तो उल्टी सीधी फैलाएगा ही फैलाएगा, दुनिया भर की बातें फैली पड़ी है, आप इनको यकीन मान के चल रहे हो। इसीलिए सच्चा कौन है, सच्चा कौन है? किसान है साहब, सीधी सी बात है, हम तो किसानों को सच्चा मानते हैं। मैं एंकर की बात कर रहा हूँ, न्यूज एंकर की। आज की डेट में देखे मेन स्ट्रीम में तो कोई भी नहीं है, एक भी नहीं बचा है आज की डेट में, मेन स्ट्रीम का एक भी मीडिया ऐसा नहीं बना। अंकल ने इतना कुछ बोल दिया, चलो सारी बात छोड़ो, अभी मैं दूसरे के दिखा देता हूँ। पहले आप एक सेकंड, आप तो एक चीज चलती है, टूलकिट, जिसको कहते हैं टूलकिट, इसकी भाषा में ट्विटर और व्हाट्सएप की भाषा में कहते हैं टूलकिट। एक चैनल को सपोर्ट हुई, उसने आगे लगातार 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 सारी सर्कुलेट करे। नहीं करते भाई हम आज की डेट में न्यूज चैनल में भरोसा नहीं करते। छोड़ दो भाई, किसानों को मंदा छोड़ दो, सुनो मेरी बात। अच्छा मुझे मेरे दो सवाल है, अंकल कह रहे हैं मैं किसी न्यूज चैनल पर भरोसा नहीं करता, तो फिर न्यूज कहां से रही है? जमीनी हकीकत से, खुद गया हूँ, खुद देख के आया हूँ, पिछले साल भी गया था, सोनीपत से क्रॉस करके आया और पानीपत से आगे 100 किलोमीटर तक किसान। क्या माहौल है वहाँ का, माहौल माहौल आंदोलन कि जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी, हाँ अरे मॉडिफाइड ट्रैक्टर अगर उनके पास है तो क्या मतलब वो विरोध करना बंद कर दे? क्या बात कर रहे हैं यार, ये फिर वही बात ले आए ना कि जो मर्सिडीज वाली बात, ये उसी लाइन के हैं ये, कि अगर मॉडिफाइड ट्रैक्टर है तो वो विरोध नहीं कर सकते। भाई ठीक है, क्या क्या मतलब, मैं आज मैं सूट बूट पहन के खड़ा हूँ तो मेरे साथ कोई चीज गलत हो रही है तो मैं विरोध नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं बोला कि हाई क्लास ट्रैक्टर, मैंने ये नहीं बोला मॉडिफाइड का मतलब, आपने सामान ऐसा लगाया सामने जो चीजों को तोड़ेगा, वो किस तरह का वो किस तरह का प्रोटेस्ट है, किस तरह का? लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने का अधिकार है, सबको रैली निकालने का अधिकार है, सबको प्रदर्शन। दूसरों को दिक्कत दे दो, आप दूसरों को दिक्कत देने के लिए रोड जाम किसने करे? एक मिनट सुनिए, आप आराम से बात, आराम से सुनिए, लिखे ना, सुनिए सुनिए, सुनते हैं नहीं, नहीं मैं सुनो, दोनों की सुनो, सुनो ये किसी भाई साहब को मानते नहीं, किसी न्यूज चैनल को मानते नहीं, फैक्ट चेक करा दिया तो वो नहीं मान रहे, दिक्कत है क्योंकि किसी ने आपको दिखा दिया, आप तो किसी कोई न्यूज चैनल होगा। मेरी बात सुनिए, अरे भाई मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप यूपीएससी एस्पिरेंट ने मेरी बात सुनिए, एमएसपी क्या होता है बताइए, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, ठीक है ना? अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना, पहली बात मुझे बता दी, एक सवाल के मेरे सबसे बड़ा, इन्होंने बोला कि सभी बिके हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप भी बिके हुए हैं, ऑन द स्पॉट बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने बोला सभी बिके हुए हैं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि न्यूज चैनल सब फेक है, हैं? तो आपके पास भैया हर दिन तो आप जा नहीं रहे, आपके पास इन्फॉर्मेशन थी कहाँ से रही है? कोई तो न्यूज चैनल होगा जो फॉलो कर रहे हैं, आप दुनिया की खबर, चलो अमेरिका की आप खबर फॉलो करेंगे, आपको अमेरिका के बारे में पता होगा, अमेरिका हर दिन फ्लाइट लेके जा रहे हैं आप चेक करने, कोई तो न्यूज चैनल है ना? या तो आप मानिए सब नहीं बिके हुए हैं, आपने बोला सब बिके हुए हैं, चलो मैं जी न्यूज मान लिया, सब मान लिया। पहले इन्होंने मेरे सवाल किया था कि आप मेरे को यहाँ चेक करा दूँ, मैंने ऑन द स्पॉट चेक कराया, ठीक है ना, फैक्ट चेक करा। दूसरी बात, अरे यार एक बार सोर्स क्या है, देखिए सोर्स क्या है उसका, सोर्स कौन है? ये वो जी न्यूज चैनल है जिस जी न्यूज के एंकर ने कभी सुधीर चौधरी ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, ये वो न्यूज चैनल के सपोर्टर है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि रोड कोई भी चैनल सही नहीं है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है बताइए, 24 में कौन आएगा, 24 छोड़ी 24 बात की बात है, मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि कोई तो दुनिया में सच्चा होगा वो पूछ लो कौन है पहले। अरे तो मोदी सच्चे है ना, मोदी सच्चे, मैंने बोला, मैंने तो नहीं बोला, पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सा भाई, कोई सच्चा नहीं है, मोदी जी भी सच्चे, कोई सच्चा नहीं, मैं सबकी बोल रहा हूँ, कौन सच्चा बता, उसी सच्चाई पे आप यकीन कर रहे हो फिर? नहीं मैंने तो नहीं बोला, आपने बोला कोई सच्चा नहीं है और उसी चीज चंद्रा पे आप यकीन कर रहे हो। और रही बात, आपने कहा कि रोड ब्लॉक कर रखे हैं, लोगों को परेशानी में डाल रखा है, तो रोड पे कंक्रीट किसने डाली है, कंक्रीट के ब्लॉक किसने, सरकार ने डाले के किसानों ने डाले, कीले किसने गाड़ी है, सरकार ने के किसानों से, ड्रोन से ऊपर करो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, सरकार फेंक रही है कि किसान फेंक रहे हैं, कौन फेंक रहा है? रोड ब्लॉक करने की जिम्मेदारी किसकी है सर? उन्होंने क्या, अगर आप वहाँ से भीड़ आ रही है लगातार, आप आ रहे हैं वो एक लाइन में चले जा रहे हैं, कहना ये सर इनका कहना यही है ना सर, दंगा भड़का रहे हैं, वो दंगा कैसे भड़का रहे हैं, जब आप उनके ऊपर हमला करोगे क्या वो अपने हमले से बचने के लिए भागेंगे? नहीं, आप बैठे बैठे पिटते रहोगे भाई साहब, पिट लेंगे क्या 4 दिन बैठे बैठे? दूसरी बात अंकल जी, आपने ये बोल दिया कि मैं मोदी का सपोर्टर हूँ, मैंने आपका फैक्ट चेक किया, मैंने कहीं नहीं बोला मोदी सपोर्टर हूँ, मैंने तो नहीं मोदी की तारीफ करी अभी तक, ना मैंने कांग्रेस की तारीफ करी, आपने मैंने आपका फैक्ट चेक कर दिया तो आपके कोई किसान झूठ है ना, झूठ है ना, मैंने बोला पूछ रहा हूँ भाई आपसे, फिर मैंने बोला पूछ रहा, मैंने सिर्फ ये बोला कि उनकी जो डिमांड है WTO से विड्रॉ करने वाली, वो सबसे बेतुका डिमांड है, आपका मिनिमम सपोर्टर MSP है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ, MSP जेन्युइन है, उसको मैंने डिनाई नहीं करता, लेकिन आप कह रहे हैं WTO से विड्रॉ कर लो भाई, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो लोग सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, IT सर्विस है, उनके जो रूल है खाली इनके बेस पर पूरे चेंज करा दिए जाए, WTO से विड्रॉ कर लोगे इन, तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करोगे भाई, ये बता दो, अमेरिका कैसे ट्रेड करेगा तुम्हारे साथ? जाहिर बात है, चलो इनकी WTO पे अगर इन्होंने मुद्दा बना लिया, मैं कहता हूँ जी मैं इनकी भी बात में सहमत हो जाता हूँ कि WTO की मांग उनकी गलत है, लेकिन बाकी जो उनकी मांगे जो है वो फिर उनके ऊपर उन्हें क्यों कहा जा रहा है आतंकवादी उग्रवादी, क्यों आप खालिस्तानी भी कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है फिर,
सीधी सी बात है, आपने उनकी एक बात पकड़ ली कि उन्होंने WTO की, और WTO की किसान किसी भी किसान संगठन की कहीं से कोई ऐसा ज्ञापन नहीं आया, कहीं से कोई ऐसा परिपत्र नहीं आया कि जिन्होंने मांग पेश करी हो। ये सारा झूठ फैलाया जा रहा है और व्हाट्सएप पे भी तो लगातार फैले गए झूठ, ऐसे सैकड़ों झूठ फैलेंगे अभी तो। अरे भाई साहब नहीं है भरोसा, क्योंकि झूठ फैलाते हैं, मुझे क्या यहाँ सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को भरोसा नहीं होगा। क्यों स्टॉप हो गया है, क्यों स्टॉप नहीं हुआ आपका, क्यों ना इंक्रीज नहीं हो रहा है? आपके मानने से कुछ नहीं होता, सारी मांग सकते हैं, फिर मैंने फैक्ट चेक कर दिया, आप कह रहे ये गलत दिखा रहे हैं। अरे यार कुछ तो मान लो जिंदगी में, कुछ तो मान लो, कोई तो न्यूज चैनल का मान लो, तो आप अगर गलत परोसेंगे तो मैं तो नहीं मानने वाला। किसको मानेंगे फिर बता देना, किसको मानेंगे? जो जमीनी हकीकत है उन्हें मानेंगे, सीधी सी बात है। मेरे पापा किसान है, ठीक है, ओके, क्या मतलब है? मेरे पापा है किसान, यार लड़ने के लिए तैयार हो गया बंदा, जो बोल रहा है यूपी किसान है, यूपी किसान है, कहाँ यूपी किसान, कहाँ यूपी किसान बताओ, कहाँ है? राजस्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश कहाँ है? तमिलनाडु कहाँ है? कहाँ है किसान? खाली पंजाब किसान है। जिनकी रीढ़ में दम होता है ना वही विद्रोह करती है, भगत सिंह की धरती है वो, समझे? जिनकी रीढ़ में दम होता है वही विद्रोह करते हैं, नहीं है? अच्छा अच्छा, खड़े होना जाके टिहरी बॉर्डर पे, करो अपनी आवाज, जाओ गाजीपुर बॉर्डर पे, देखो कैसे भी तुम्हारे को जगीर उठा के अंदर डालते हैं, जिनसे तुम डरे बैठे हो 24 घंटे। निकालो आवाज, निकालो आवाज, हाँ बड़ा बड़ा लिखे ज्ञान दे रहा, देख लिया ना जैन चौधरी का हाल, कैसे उसे दबा के दबोच के बैठा दिया उसके साथ, जैन चौधरी का। आपको नहीं कह रहा, आप तो दबा ही नहीं सकते, देख लिया ये हालत है इनकी। रीढ़ की हड्डी में दम होता तो आप भी विरोध करते, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम है सलाम है उन्हें, हजार बार सलाम है उनकी रीढ़ की हड्डी में दम है। अबे देख सीधी बात है यार, सिद्धांत है, इनके दुनिया में सब गलत, इनकी नजर में सब गलत, दुनिया में एक सत्य आदमी नहीं, सब यही है सत्य के देवता, बात सिद्धांत ही है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए आप, देखिए आपने पहली चीज ये बताई थी, आप यूपी एस्पिरेंट है, ठीक है, अच्छा ये बताइए लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है नहीं है? लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है, ठीक है ना, जो आपके जो फ्रीडम, जो फंडामेंटल राइट है, जो आपके आर्टिकल 12 से 35 तक चालू होते हैं, ठीक है ना, उसमें काफ़ी क्लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसमें हर जगह एक्सेप्शन दिया गया है कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए जो पब्लिक केओस क्रिएट करे। अच्छा संविधान में कहीं लिखा है क्या कि स्मोक बम फेंक दो अगर कोई प्रदर्शन करे, उसको राजधानी में मत घुसने दो, ऐसा लिखा है? कंट्रोल मेजर हर जगह प्लेस किए गए फंडामेंटल राइट में, चाहो तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल स्टेटमेंट दे दिया, हाई कोर्ट ने अलाउ किया, चंडीगढ़ ने, चंडीगढ़ पंजाब के ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर ये जो केओस हो रहा है, जो वहां से हो रहा है, अगर ये पब्लिक की आम जो लोग आवा जाइए उससे दिक्कत होती है और जो लॉयर्स को दिक्कत होती है, तो इस प्रोटेस्ट को हम रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है ये, मेरा नहीं है, ठीक है ना। और सुनो सरकार कोर्ट है क्या? कौन सरकार क्यों कानून हाथ में ले रही है अपना? फिर भाई सर एग्जीक्यूटिव वर्क कौन करता है? कौन मानेगा? क्या तीन तरह का होता है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगी? वही चेक करेगी सरकार गलत है कि नहीं। अगर सरकार गलत है, जैसे आज इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आया, जुडिशरी चेक करेगी ना, उससे पहले ही सरकार स्मोक बम फेंक दे। अरे भाई प्रोटेस्ट, अगर ये प्रोटेस्ट रोकना गलत होता, इससे पहले जितने भी केसेस जो जजमेंट हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी किस तरह से आप क्या यूज कर सकते हैं नहीं। अगर ये गलत है आप जुडिशरी, भाई सीधी बात है, आप कोर्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग बात है कि सरकार के पक्ष में फैसला आ जाए तो लोग कहते हैं कि कील ठोकना कहाँ तक सही है बताओ। सुनो तो सही, सरकार के पक्ष में फैसला आ जाए तो कोर्ट बिका हुआ है। आज जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में सरकार के अगेंस्ट फैसला आया तो नहीं कहेंगे कि कोर्ट बिका। बात बताइए, सुनिए मेरी बात, दिल्ली के बॉर्डर बहुत सेफ है ना, बहुत अच्छे तरीके से कीले गाड़ी गई हैं, देश का बॉर्डर क्यों सेफ नहीं है? देश का बॉर्डर क्यों सेफ नहीं? चाइना कैसे अंदर घुस गया? कहाँ घुस गया? तुम जाके चेक कर रहे हो? चाइना सर अंदर नहीं घुसा। इनको नहीं दिखेगा, इनको नहीं दिखेगा, 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी कब्जाई बैठा है, वो इन्हें नहीं दिखेगा। भाजपा के ही सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हीं के बयान इनको नहीं दिखेंगे। जब इनके खिलाफ चली जाती हैं चीज़ें तो इनको ये चीज़ें नहीं दिखता, ये मेरे जैसे लोगों से आके बहस करना शुरू कर देते हैं और बात शुरू करने, अपनी बात को ऊपर उठाने के लिए इनकी आवाज़ बढ़ती चली जाएगी, और थोड़ी बात जब ये इन सब चीज़ों से थक जाएंगे इसके बाद इनका नारा पता है क्या होगा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बस उसके बाद ये लोग निकल लेंगे। बात बड़ी खुश हो गए जुडिशरी की बात उठाने के, जुडिशरी ने ऐसा कहा, जुडिशरी ने वैसा कहा, तो जुडिशरी ने भाई दिल्ली सरकार के अगेंस्ट भी फैसला दिया था कि सारे के सारे काम दिल्ली सरकार के रहेंगे, सरकार ला के अध्यादेश ला के क्यों पलटा जुडिशरी का फैसला? आज जुडिशरी को इतना सम्मान दे रहे हो हैं, तब वो जुडिशरी कहां गई थी? अभी भी इसी अध्यादेश पे आप देख लेना, 2 या 4 दिन की बात है, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी है, जितना भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के हिसाब से चंदा आया उसमें 80% से ज्यादा का ज्यादा बीजेपी को गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड कौन इशू करता है बताइए? सरकार जो उनके जो बने हुए हैं, जो एजेंसीज बनी हुई है वो करती है। बिना पढ़े लिखे बोल रहे हो? अच्छा आप बता दो, आप बता दो, और पता नहीं है एसबी, ओनली एसबीआई कैन इशू द इलेक्ट्रल बॉन्ड। अच्छा सरकारी है, जैसे कुछ भी बोले जा रहे हो आप। एसबीआई सरकारी नहीं है, मैंने क्या बोला, सुन क्या रहे हो?
एसबीआई सरकारी बैंक नहीं है, भाई साहब पहले भी आए थे आपके चैनल पे कि एसबीआई प्राइवेट है, वही महाराज ये है, कोई बात नहीं। एसबीआई क्या है, सरकारी एजेंसी है, ये नहीं पता किस बात पे काम नहीं है। सुनो सुनो, पहली बात इनके एसबीआई सरकारी एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, एजेंसी है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। दूसरी बात अंकल ने दिक्कत देना, कौन सी अंकल ने बोला कि चीन घुस गया अंदर, अभी तो अंकल कह रहे मैं किसी न्यूज चैनल पर भरोसा नहीं करता, तो मतलब अंकल चीन बॉर्डर पे गए थे, ये बात प्रूव कर पूछ लेना कहाँ से न्यूज करी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सारी न्यूज बिकी हुई। आपने नहीं देखा ना, क्या नहीं देखा होगा, तो वो भी तो बिकी हुई, जो नहीं नहीं वो चरवाहे बिके हो सकते हैं, वो चरवाहे जो चरवाहों ने वहाँ पे वीडियो भेजा के चीनी सैनिक अंदर घुसे पड़े हैं, वो इनके लिए नकली साबित हो गया, जो मेजर शैतान। हाँ जी, आप जाओ जहाँ कोई फैक्ट हो, ठीक है ना। मैंने दो फैक्ट दो मिनट में चेक कर दिया ना, कि पहले तो न्यूज चैनल भरोसा नहीं किसी पे भी, फिर कह रहा चीन अंदर घुस गया, फिर किस पर भरोसा कर लिया भाई तुमने, न्यूज दिखाई चीन अंदर नहीं घुसा, न्यूज दिखाई चीन अंदर नहीं, बात कर रहा हूँ पहले न्यूज है चीन अंदर नहीं घुसा, कौन मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि आप कौन सी न्यूज पर भरोसा कर रहे हैं, मेरे को मानते हैं चीन अंदर घुसा है नहीं घुसा भाई, देख सुन चीन अंदर घुसा नहीं घुसा इस बात पे ना, हाँ न्यूज दिखाई ना नहीं घुसा, रुको अगर वो, अरे रुक तो जा भाई, रुक तो जा यार जिस बात पे मुझे भरोसा है कि अंदर घुसा है, जैसे कोई पॉइंट पे मुझे कि मेरे श्योरिटी है कि भाई अंदर घुसा है नहीं घुसा, मैं बोल सकता हूँ उस पर, जिस पे मुझे श्योरिटी नहीं कि वो अंदर घुसा नहीं घुसा, उसमें मैं ये बोल सकता हूँ श्योरिटी नहीं है, न्यूज दिखाई श्योरिटी नहीं है, सुनो जिसमें मैंने बोला ना मेरे को श्योरिटी नहीं, मैं यही बोलूंगा श्योरिटी नहीं है, लेकिन जिसमें मेरे को श्योरिटी है ना, मैं दो मिनट फैक्ट चेक कर सकता हूँ, चाहो तो आप मेरी नॉलेज को अभी चेक कर लो, अगर मैंने गलत बोला आप चेक कर लो, लेकिन मैंने चीन वाले बोले, मैंने बोला ना घुसा है ना या नहीं घुसा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बोले मैंने इनकी इन बात को पकड़ा कि ये कह रहे कि न्यूज़ आई है, तो आप तो न्यूज़ पर भरोसा नहीं करते, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड कर लो, आप भरोसा किस पे करते हो, मैं इन्हीं को पकड़ रहा था, मेरा कोई पॉइंट नहीं है इसमें, पकड़ने से आपका कोई क्योंकि आप कुछ नहीं फाल आपको फंसा रहे थे सर, पकड़ने वाले से इनका कुछ हल नहीं निकलने वाला, अपनी बातों में खुद उलझ जाते हैं, मैं न्यूज़ पर भरोसा करता हूँ और मैं न्यूज़ पर भरोसा नहीं करता, मैंने तो शुरू से कहा कि मैं न्यूज़ पर भरोसा नहीं करता, मैं तो जमीनी हकीकत देखता हूँ, जो वहाँ से चरवाहों की वीडियो आई है वो मैंने देखी है, मुझे तो उस पर यकीन है, चरवाहों को किसी से क्या लेना देना, वो अपनी भेड़ चराने गए और उन्होंने वीडियो बना के सर्कुलेट करी, सीधी सी बात है, वो किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाई, क्योंकि उससे मोदी सरकार की बेइज्जती होती है कि चीन अंदर घुसाया है, पेड मीडिया जिसे मैं बार बार कहता हूँ, पालतू मीडिया, पेड मीडिया, मेन स्ट्रीम का मेन मीडिया जो है वो पूरी तरह पालतू और पेड हो चुका है, तो वो इन चीनियों को नहीं चलाता, पर वो भाई साहब ने किस चीज़ पे यकीन है, जी चंद्रा के न्यूज़ चैनल पे, वो जिस चीज दोबारा मैं कहता हूँ जिस पे वो कभी सुधीर तिहाड़ी था, एक महीने की तिहाड़ भी काट के आया था 100 करोड़ उगाई के चक्कर में, उस पे जिसके 6-6 हज़ार करोड़ रुपये सरकार माफ़ कर रही है, तो वो उनकी चमचागिरी करेगा या मेरी चमचागिरी करेगा, वो मेरे लिए न्यूज़ बनाएगा कि सरकार के लिए न्यूज़ बनाएगा फेवर की, बहुत बढ़िया है, बोल बाल के चले गए, उसके बाद आगे इनके पास कुछ होता नहीं कहने का, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को भाई, मैं क्या कहूँ, ये आज की डेट का नया जो जनरेशन आ चुकी है, ब्रेन वॉश हो चुका है, बहस पूरी करनी है, फैक्ट नहीं है, लेकिन अंकल खड़े हैं तो अंकल की बात जरूर काटनी है, चाहे मेरी बात कितनी भी कट जाए ना, अंकल की बात काटनी है कि मैं गलत कैसे हो गया, इनके दिमाग में पता क्या चीज़ चल गई है, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर वगैरह पे होता है ना ब्लॉक का ऑप्शन, कि कोई भी मेरे अगेंस्ट गया उठा के फट से ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद ये एंट्री जो होती है ना बड़ी चौड़ी होती है, आहा मैंने ब्लॉक कर दिया, बड़े खुश होते हैं, अब करके देख तू मुझे, मैंने तो ये ब्लॉक कर दिया, तो इन लोगों की हालत वो है कि मेरे जैसे को दो मिनट में जरा, मैंने ठीक है चलो तुमने ओटीएफ की बात करी, एक जी चंद्रा के अलावा बाकी कहाँ है भाई ये न्यूज़, किसानों ने तो ये बात उठाई नहीं है, वो तो लगातार अफवाह फैलाने में लगे हैं किसानों के खिलाफ, सारे न्यूज़ चैनल अफवाह फैला रहे हैं, यही बहन बेटियों के बीच से मैंने बात करी थी मणिपुर में जो निर्वस्त्र है, ये तो उसे भी मना करके चला जाता कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो भी न्यूज़ से आया था, क्योंकि वो भी न्यूज़ से आया था, जब मैं उस बात को उठा था कि वो भी न्यूज़ से आया, तो आप उस पर यकीन क्यों कर रहे हो, लेकिन जो सबको दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है, और जो किसी को नहीं दिख रहा मैं वो भी देखना चाह रहा हूँ, तो मेरे से बहस करके इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, इन लोगों की मानसिक हालत वही है बस, इन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, जब इनकी खुद की ऐसी तैसी होगी, जब ये खुद देखेंगे कि जाके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जब इनके पैर में बिवाई फटेंगी तब इन्हें पता चलेगा कि ईडी का दर्द क्या होता है।